पिछली बार 3 ट्रक भरा कपिलो 5 लाख रुपया ले एक ट्रक का सरपंच। अरे एक तो भरके भगा दे और दूसरी ने पकड़ ली क्या गांव परेशान करती। अरे तू सरपंची गांव का उगा के फूस घेर मानक का ते घेर दो इतना चंदा है मैं थाने देख लूंगा। मैं राजकुमार को हूं और राजकुमार के तेरी बेटी जाते मेरी चैन तोड़ ली। तुम्हारे गांव के बच्चे ने बताया कि 30-40 गायें लेके जा रहे मेरे पास साध नहीं था। फिर घंटे डेढ़ गांव में घंटे डेढ़ घंटे बाद में ये जुड़ता जुड़ता मालूम पड़ा तो 6:30 बजे लगभग पीछे खड़ी कर रखी थी गाड़ी ठेके के सामने खड़ी थी और पूरी भरने में इन्होंने मेरे ख्याल 9-10 तो बजाई दिए होंगे और उसके उपलक्ष में ही हमारे ऊपर हमला करवाया कल नाइयों के घर पे रात को हमला हुआ। बेसिकली ये मुकदमा अपने नवलगढ़ विधानसभा के अंदर जेदूसर ग्राम पंचायत है। पिछले एक साल से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे लोकल कुछ लोग मिलकर गोतस्करी कर रहे हैं तो उसकी सूचना हमें मिली। वो सूचना यहाँ पे पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पे जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ट्रक था मेवात का जिसकी पूरी सूचना यहाँ मिल गई है कौन मालिक है क्या है और वहाँ पे करीब 14 गोवंश उसमें ट्रक के अंदर डाले हुए थे और पशु क्रूरता के हिसाब से वो थे। उनके मुंह बंधे हुए थे उनके पांव भी बंधे हुए थे और उनको कहीं मतलब एक तरह से बोलते हैं बुचड़ खाने में लेके जाने की उनकी क्रिया थी। मौके पर टीम पहुंची पशु क्रूरता अपने समिति के सदस्य प्रवीण जी स्वामी मौके पर पहुंचे और भी काफ़ी टीम थी ट्रक को यहाँ पर ले के आए हैं और जो भी गाय थी उसको प्रॉपर एक जो प्रोसेस होता है कानून के हिसाब से सरदार मल सिंह जी ने उसको प्रॉपर फॉलो किया और जो गोवंश है उसको अपने गौशाला में छोड़ दिया है और एक प्रॉपर FIR दर्ज हुई है जिसके अंदर मुख्य आरोपी अपने जेजूसर के सरपंच प्रतिनिधि कपिल एचरा हैं। उस पर भी जाँच होगी कैसे क्या है और ये सब इसके अंदर है। साथ ही जो सूचना आ रही है कि जो जिन्होंने पुलिस थाने में सूचना दी उनके साथ भी मारपीट हुई है। बिल्कुल साहब आज सुबह उनके साथ भी मारपीट हुई है वो पूरी उसके FIR दर्ज हो रही है। वो हमारे गौसेवक इसके अपने सदस्य थे बहुत अच्छे गौसेवक हैं। अब उनकी मारपीट की क्या सूचना आगे कंप्लीट है वो उसका एक सेकेंड मैटर होगा और जो भी आगे इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होगी कानून के हिसाब से क्योंकि उन्होंने गोरक्षा के लिए काम किया। अब गोरक्षा के लिए अगर उसका खून बहा है तो ये तो बड़ी विचारणीय विषय। पूरे अपने झुंझुनू जिले के अंदर करीब 20,000 से ज़्यादा गौसेवक हैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी लेकिन जिसने भी गौसेवक पे हाथ लगाया है ना कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। उसने दिमाग से निकाल मेडिकल भी हुआ है और अब उन्हें बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल हुआ है प्रॉपर उसको किया है। इस चीज़ की सूचना अपने राजू जी जाकल को लगी तो स्पेशली इस चीज़ में आए हैं और बाकी की सूचना आपको ये दें क्योंकि कल राणासरी थे उस टाइम पर जब ये घटना हुई तो आगे की सूचना आपको अपने राजू जी जाकल। राजू जी क्या लगता है क्या लंबे समय से चल रहा है क्या ये जो गौ तस्करी का जो काम है अभी जो सुनने में आया है कि भाई लंबे समय से ये लोग गौ तस्करी कर रहे हैं और कल रात को भी इसी में जो घटना हुई उसके अंदर ये है कि भाई जो गांव के गौ रक्षक थे उनको दिन से ये सूचना थी कि आज रात को यहाँ का सरपंच प्रतिनिधि है कपिल एचरा जो कुछ लोगों के साथ में मिल के और यहाँ से गायों का ट्रक भरेगा। तो जिस जब ये मेवातियों के साथ में मिल के और उन्होंने वहाँ पर गायों को भरने के लिए ट्रक लगाया तो जो गांव के गौ रक्षक थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी तो कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ मिलके और उनको डराने धमकाने का काम किया कि आप हमारे को गायों का ट्रक भरने दो आप हमारे को डिस्टर्ब मत करो वरना हमें आपको मारेंगे पीटेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने पूरा उनका संघर्ष किया उनके साथ में और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस थाना अधिकारी सरदार मल जी मुकुंदगढ़ मंडी से इन्होंने मौके पर पहुँच के और ये जो इधर ट्रक खड़ा है इस ट्रक को जब्त किया। इस ट्रक के अंदर 14 गायें मतलब कुर्ता पुरुक जिनके मुंह बंधे हुए थे पैर बंधे हुए थे और उनको ठूंस रखे थी इसके अंदर और जब सरदार मल जी जाप्ते के साथ में वहाँ पे पहुँचे तो जो गौ तस्कर थे जो मेवात से आए हुए थे कपिल एचरा था इसके जो गाँव के जो साथी थे वो वहाँ से भग गए और उसके बाद में खानदार जी ने ये ट्रक जब्त करके उस गायों को गौशाला में लाए उनका मेडिकल करवाया और जो नियम कानून के अनुसार जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के अंदर क्या हुआ जो गांव के जो गौरक्षक थे जिन्होंने ये कार्रवाई करी इनको गायों को भरने से रोका उन पे कपिल एचरा ने अपने साथियों के साथ में मिलके और जानलेवा हमला किया जिसमें मतलब ये माता जी हैं ये बुजुर्ग हैं इनके चोटें आई हैं और एक इनका भांजा था सतपाल जो जिसके ज़्यादा सीरियस है और वो झुंझुनू एडमिट है उसका इलाज चल रहा है। उसके अभी FIR दर्ज नहीं हुई है उसकी FIR दर्ज हो रही है उसका मेडिकल हो रहा है। उसके बाद में कानूनी कार्रवाई इन पे थानेदार जी से मिले हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई मैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अगर कार्रवाई नहीं होती है इसमें कोई भी ढिलाई बरती जाती है तो हम इसके लिए अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे पर इनका दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। ये जो गौरक्षक हैं इनको पुलिस हिरासत में भिजवा के जेल भिजवाने का काम करेंगे।
हमको 2:30 बजे सूचना लगी, एक सांड घायल था, हम उसको गुड़ खिला के आ रहे थे। तो हमारे गांव के बच्चे ने बताया कि 30-40 गायें लेके जा रहे, मेरे पास साध नहीं था। फिर घंटे डेढ़ गांव में, घंटे डेढ़ घंटे बाद में ये जुड़ता जुड़ता मालूम पड़ा तो 6:30 बजे लगभग पीछे खड़ी कर रखी थी गाड़ी, ठेके के सामने खड़ी थी और पूरी भरने में इन्होंने मेरे ख्याल 9-10 तो बजाई दिए होंगे। और उसके उपलक्ष में ही हमारे हमला करवाया, कल नाइयों के घर पर रात को हमला हुआ, वहाँ भी हाथापाई हुई और सुबह ये हथियारों से लैस थे और ये बहन मिलने के लिए आई थी, हमारा भाई की डेथ हो गया था। देखो कपिल बच्चे कितनी, ये किसने की आपके साथ मारपीट, किसने की आपके? कपिल ने और के नाम अभी को अन्य तीन लड़के और के, उनका कपिल ही नाम बता देगा। उनकी हाथों में बर्ची थोड़ी, कपिल है गोन, ये क्या कोई पद है? सरपंच है, सरपंच है, कुत्तो है, राजकुमार जी का निजी आदमी है। राजकुमार नहीं, लेकिन ये प्रशासन की जवाबदारी है कि किसी निर्दोष को अगर सहायता करते हैं तो मानवता का धर्म है, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मतलब आपको दिन में सूचना लग गई थी कि गाय बाहर लेकर जा रहे हैं, कर रहे हैं ये 2-2.5 लाख रुपए ट्रक का लेता सरपंच, एक ट्रक पैसा लेके ही भरवाता है हमेशा ही, पहले भी 3 ट्रक भरवाए, गौशाला बना रखी उसके में गमनते से सब ऐसा कर रखा सर। राजू जी किसी थानेदार जी से बातचीत हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जो पीछे का जो काम है सरदार मल जी का जो काम रहा है इस थाना में अधिकारी का वो अच्छा रहा है और उससे हम आश्वासित हैं, हमें विश्वास है कि वो कार्रवाई अच्छी करेंगे। और गौ माता का काम है, दूसरी बात है कि हमारे परिवार का मामला है, हमें इसके लिए कितना भी संघर्ष करेगा हम किसी डरने वाले नहीं है। वो कुछ लोग कह रहे हैं, मैं तो इसको राजनीति मामला नहीं बनाना चाहता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पूर्व विधायक राजकुमार जी के खास चेले चमचे हैं, बाकी हमारे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे परिवार के लिए और गौ माता के लिए हमें हमारी गर्दन भी कटवानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, रोडों पर आना पड़ेगा, तो हम हर चीज के लिए तैयार हैं, पर इस चीज का निचोड़ निकाल के दोहराए नहीं है। नजर आए हैं क्या? पिछली बार 3 ट्रक भरा कपिलो, 5 लाख रुपया ले एक ट्रक का सरपंच, अरे एक तो भर के भगा दे और दूसरे ने पकड़ ली, कहेगा आप परेशान करती। अरे बनचो तू सरपंच ही, बनचो तू सरपंच ही, गांव का उगा के फूस घेरे मानक का ते घेर दो, इतना चंदा है मैं देख लूंगा, मैं राजकुमार को हूं और राजकुमार के तेरी बेटी जाते जनप्रतिनिधि, अगर गाड़ी में छुटाने लगी वो बांध दो नहीं, मेरा 20 टाका आया ही बर्ची काटी कपिलो12 दिसंबर 2023 को दौरा ने गश्त मन थानाधिकारी सरदार मल मुकंदगढ़ को जरिए दूरवासवी सूचनाकर्ता ने बताया कि ग्राम जेजूसर के सरकारी स्कूल के खेल ग्राउंड में कुछ लोग एक ट्रक में गोवंश भर के गोकशी के लिए तस्करी के ले जाना चाह रहे हैं। प्राप्त इतला पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मन थानाधिकारी दल वैदल सहित मौके पर पहुंचा तो पाया कि मौके पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी खड़ी थी। मौके पर मौजूद राहगीरों, ग्रामजनों, गोरक्षकों और समाज सेवियों की मदद से गाड़ी का तिरपाल और फट्टे हटाकर देखा तो उसमें गोवंशों को बेरहमी से मुंह और पैर बांधकर ठूंस रखा था, जिनकी गिनने पर संख्या कुल 14 पाई गई, जिसमें से 3 मादा गायें और 11 नर सांड थे, जिनको मौके पर ही ट्रक और गोवंश को जब्त किया गया। जब्त कर मुकंदगढ़ कस्बे की गौशाला में लाकर गोवंश को मुक्त कराया गया। मौके पर ही पशु चिकित्सक को बुलाकर उनका इलाज और मेडिकल कराया गया है। संपूर्ण प्रकरण में ग्राम जेजूसर निवासी कपिल एचरा और अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिस संबंध में गोवंश पशु अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण मन थानाधिकारी द्वारा दर्ज करवाया गया है। अनुसंधान जारी है, आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। क्या मौके पर किसी को गिरफ्तार भी किया गया सर? वहाँ पे मौके पर कोई भी आरोपी हमें नहीं मिला, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिसकी हमारी पुलिस
लगातार सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर, गाड़ी जो काम में ले जा रही थी उसको आपने? मौके से हमने हरियाणा नंबर की गाड़ी, एक ट्रक है जिसको हमने जब्त किया है। सर, गोवंश किसी गौशाला का था या कोई आवारा थे ऐसे? अभी ये सामने आया है कि गोवंश उसी ग्राम जेजूसर के आसपास के कस्बे में आवारा पशु होना ज्ञात हुआ है। सर, अब अगर उन गोवंश की बात की जाए तो उनकी कंडीशन कैसी है? अभी वो दुरुस्त हालत में है, उनका मेडिकल इलाज पशु चिकित्सक से करवा दिया गया है। सभी पशु चिकित्सक हैं जिनकी कुल संख्या 14 है। वर्तमान में गौशाला में वो स्वस्थ हैं, जिसकी उनसे रसीद प्राप्त की गई है।